हेलो हिपहॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते बेला से। तो बेला ने अपने इंस्टा पे Q&A रखा था जिसमें उनसे पूछा गया था डू यू लाइक किंग। तो इस पे वो लिखते हैं, जो किंग ने किया है बहुत कम लोग ने किया है, कूडोस टू दैट। जितना किंग से लड़ा हूँ उससे ज्यादा सगे भाई से लड़ता हूँ, मतलब हम दुश्मन हो गए। नो हेट, मुझे मतलब ही नहीं कौन क्या बोल रहा। अब मुझे मेरा म्यूजिक बहुत सफलता दे रहा है, दुआ करता हूँ सबको मिले। बड़े हो गए हम तुम्हारे लिए, तुम बड़े हो जाओ सीन के लिए। रात गई बात गई, किंग भाई है सब भाई है। पाकिस्तानी हिप हॉप सीन के बारे में कुछ बोल दो ब्रो, आई लव पाकिस्तानी हिप हॉप। तो अब बात कर लेते बादशाह के बारे में। तो बादशाह का सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल से एक इंटरव्यू देखने को मिला है जिसमें उनसे कुछ ऐसा पूछा जाता है, इफ यू हैड टू राइट दीस आईजी कैप्शंस फॉर दीस फॉलोइंग परफॉर्मर्स, जी क्या लिखोगे रफ्तार के लिए? ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, डिवाइन लाइट। यू कंसीडर हिम लाइक योर ब्रदरहुड वाला सर्कल? वी डोंट नो ईच अदर सो वेल, बट आई थिंक ही इज लाइक अ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट फॉर एवरीबॉडी हू इज ट्राइंग टू डू हिप हॉप, हार्डकोर हिप हॉप, and I respect him for that. Honey. Bhai. In fact, I hosted an event with him recently. He's looking damn good. I was so happy to see him like that. Beautiful. Great. I just love the fact that I think it's a very big achievement. It's a very big jeet in life. Forget anything else. You know, just to come back from what he has is very heartwarming. तो अब बात कर लेते हैं MC Stan के बारे में। तो MC Stan के ऑफिशियल इंस्टा से कुछ ट्वीट्स देखने को मिले थे। तो MC Stan के फैन ने एक स्क्रीनशॉट रिलीज करा था और साथ ही लिखा था, दीस क्लाउन्स आर मेड अ फुल फ्लेज्ड प्लान टू डिफेम MC Stan। तो MC Stan का अकाउंट इसको रीशेयर करके लिखता है, कितना भी ट्राई कर लो चीप ट्रिक्स करने का, नहीं दबा सकते हमें, एड़े चाले करो भी मत, अंटी के फैंस बड़े हो जाओ शेमड़ो। तो इसके बाद से एक भाई लिखता है, इतने कैसे गिर सकते हो प्रियंका वालो, शर्म कर लो। तो स्टैन का अकाउंट रिप्लाई करता है, इतनी भी प्लानिंग कर लो, बुल्ला कुछ नहीं कर सकते हमारा। तो बिग बॉस में जो प्रियंका है उनके फैंस के यहाँ पे बात करी जा रही थी, तो बिग बॉस की बात हो ही रही है, तो रणवीर सिंह भी आए हुए थे बिग बॉस में, तो वहाँ पे वो एमसी स्टैन के लिए कुछ ऐसा कहता है। स्नेक से याद आया, जिसका सुपर हिट गाना था स्नेक, ब्रो एमसी स्टैन क्या बोलते भाई, कैसे हो, क्या बोले बच्ची, कुछ नहीं भाई आपकी दुआ है। अरे भाई तेरा जूता वाकई में 80,000 का है क्या? हाँ बहुत बाहर बहुत फेमस हो गया वो 80,000। हाँ सर, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं मुफाड़ के बारे में। तो मुफाड़ जो है वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम से और वहाँ पे वो रफ्तार की EP के बारे में बात करते हैं, साथ ही इनडायरेक्टली उन्होंने कृष्णा के बारे में भी कुछ कहा हुआ है। रफ्तार की एल्बम कैसी लगी? बढ़िया ब्रो, अच्छी एल्बम है, बहुत बढ़िया। पिंकी भर दी, किसने दिया ये नाम? मसाला दे दिया पिंकी भड़वी बोल के। अरे एक बार और बोल देता हूँ, पिंकी भड़वी इससे मसाला मिलता है क्या? बैंचो बड़े हो जाओ यार। अरे बस लास्ट कृष्णा को डिस कर दो। आर यू आस्किंग फॉर इट? यार मुझे कोई जलपरी नहीं बोलता। अरे यार बोलो भाई, पिंकी पिंकी कर रखा तुमने, मेरे को भूल गए तुम। मुफाड़ के भी फिट नहीं आता, गांठ फाड़ के तो आ जाता है फिट। करो यार, दो बकचोदी करो, मैं भी बैठा हूँ आज, बहुत टाइम हो गया, मैं एक्नॉलेज नहीं कर रहा, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चाहिए लोगों को। बट तुम पंप मत हो जाना, तुम कहीं वहां जाके शुरू हो जाओगे, अरे भाई ये बोल दिया तुम्हें तो वो बोल दिया। मैंने सुना तुमने किंग को डिस किया था, ये सच है कि गलत? पता नहीं मुझे। तुम लोग कहीं पे भी कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है, मैं डिस करता हूँ तो फिर नाम लेके करता हूँ भाई। इक्का भाई के साथ कोलैब कब? इक्का भाई के साथ भी कर लेंगे भाई, जब बैठेंगे मिलेंगे स्टूडियो में, स्टूडियो सेशन करने, वैसे तुम बीच बीच में मिलते रहते हैं। बच्चे लोग बोल रहे हैं आपकी हाइप नहीं है, मेरी हाइप है ही नहीं ब्रो, बिल्कुल भी नहीं है, मेरी स्टार्टिंग से नहीं है हाइप कोई, मेरी रिस्पेक्ट है ब्रो, समझ रहा है? मैं सामने आता हूँ तो मेरे को बहुत प्यार से लोग मिलते हैं क्योंकि मैं प्यारा बंदा हूँ, वह लोगों को मेरा वो वाला रूप भी पसंद है कि फाड़ दो भाई। एमसी स्टैन, अरे यार एमसी स्टैन आ गया क्या वापस? अभी मैंने कुछ क्लिप देखी थी कि लाइक ही वाज लाइक डन विद द शो, कि हो गया। तो अब बात कर लेते वॉइड के बारे में। तो वॉइड का झूठ ट्रैक आउट हो चुका है जिसमें फीचरिंग है मुफाड़ की। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।